गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू। कल मैंने आपको समरी वगैरह बताई थी, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ। आप लोग के पास अगर पेन कॉपी हो तो नोट कर लेना। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का ये देखिए, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू अवर फूड, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बी वाला देखिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, इसके लिए प्रोटीन आंसर हो गया। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, इसके लिए विटामिन ए। डी वाला देखिए, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्थी, बोन हेल्थी के लिए विटामिन डी और कैल्शियम होता है। डी जो है विटामिन है और कैल्शियम मिनरल है। ठीक है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन फैट। फैट किस में होता है? आयल में होता है, चीज पनीर वगैरह में होता है, ठीक है, बटर में होता है, ऐसे स्टार्च पोटैटो में होता है और स्वीट पोटैटो में होता है, डाइटरी फाइबर, फाइबर वाले ये जो हैं सलाद वगैरह है उनमें होता है, कॉर्न है उसमें होता है। तो दो फूडों के नाम लिखने हैं। प्रोटीन किस में होता है? दाल में होता है, चिकन में होता है, एग का जो वाइट पार्ट है उसमें होता है। फोर्थ देखिए, ट्रूफॉल्स। बाय ईटिंग राइस एलान वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी, सिर्फ चावल खा के हम जो है सारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, इट इज़ फॉल्स। डिफिशेंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट, यस, बैलेंस डाइट खाने से हम डिफिशेंसी डिजीज से बच सकते हैं। तो ये ट्रू हो गया बी वाला। सी वाला देखिए, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये भी सही है। मीट एलान इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशनल टू द बॉडी, ठीक है। तो मीट में क्या सब कुछ होता है? हाँ होता है, ठीक है, मीट में लगभग सब कुछ होता है। तो जैसे टाइगर है सिर्फ मीट खाकर जो है सर्वाइव कर सकता है, फिर भी बाटर या डाइटरी फाइबर इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप ट्रू लिख सकते हो, फॉल्स नहीं लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाले में देखिए, एज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेटस होता है। डिफिशियंसी ऑफ कॉजेज डिजीज नोन है बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? टेबल देख के आप खुद फील कीजिए, या इधर मैं दिखा देता हूँ, ये बेरी बेरी विटामिन बी वन, ठीक। ऐसे विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो ये आपका आज का काम है, इनके आंसर जो है हमने जो बोला है उसको सुनकर आप नोट कर लीजिए। ट्रू फॉल्स में क्या करना है? टी आई एफ टिक करना है पूरा लिख के, फिल इन द ब्लैंक पूरा लिखिए, फिर उसको फिल कीजिए। ये दो फूड लिखने हैं, फैट के आगे दो फूड लिख लीजिए, ऐसे स्टार्च के आगे दो फूड लिखिए, डाइटरी फाइबर के आगे दो फूड, प्रोटीन के आगे दो फूड, और इनमें क्या करना है? इनमें दो दो लाइन में आंसर लिख देने, क्वेश्चन टू में ऐसे क्वेश्चन एक में भी आंसर लिख देना। थैंक यू फॉर टुडे, इट इज़ होमवर्क फॉर यू।